अच्छा, इसमें मीन वाइल अगला हफ्ता बहुत अहम करार दिया जा रहा है। जैसे ही आप मुल्क से गए हैं, शिद्दत आ गई है इस सारे प्रोसेस में, और कुछ लोग कैटलिस्ट का किरदार भी अदा कर रहे हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि वो रुक गए हैं, और बकौल इमरान खान साहब के उन्हें रोक लिया गया है, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मौलाना को राम करने के सिलसिले में क्या एक मुलाकात काफी होगी, जरूरी है, ऐसी मुलाकात हो सकती है आने वाले हफ्ते में? अगर आप टाइमलाइन दे दें या बता दें कि कब तक ये आईनी तरामीम आपके ख्याल में मंजूर हो जाएंगी, क्योंकि मौलाना चाहते हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस तक ये मुअख्खर की जाए, 15-16 अक्टूबर तक ये मामला मुअख्खर किया जाए, तेजी जल्दबाजी ना दिखाई जाए। मौलाना का कहना तो ठीक है कि एससीओ तक कोई गड़बड़ ना हो, वो आराम से हो जाए, मगर मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त तक और बहुत गड़बड़ हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है ना, वहाँ गंद, बहुत गंद पड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ जितनी जल्दी हो जाए, जो भी होना है, या छोड़ दें इस रास्ते को, या अगर करना है तो फौरन करें और मौलाना के साथ बैठ के जो भी तय करना कर लें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब का और मौलाना की मुलाकात का सवाल है, मेरा ख्याल है कि जब सब कुछ तय हो जाएगा तो फिर मौलाना और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी, जिसके बाद अनाउंसमेंट होगी कि जफियां पाइयां चुमियां लइयां और अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, पर जो लगेगी वो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात से लग जाएगी। अगर मियां साहब मिलेंगे मौलाना जी, को तो आप समझिएगा कि कामयाबी है। अच्छा, ठीक है। बहरहाल, मुल्क में और नवाज शरीफ साहब का होना। ये भी जी कह दूं कि उससे पहले इशारा हो जाएगा कामयाबी का, फिर मौलाना की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी। ठीक है। अच्छा, अब मौलाना की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस फैसले के आने के बाद, वो ऐसे लग रहा था जैसे मौलाना को महसूस हो रहा है कि वो इररेलेवेंट होने जा रहे हैं। उन्होंने ऑपोजिशन से भी एहतजाज मुअख्खर करने का कहा, और उन्होंने हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट की, और कुछ एतराजात, वही जो मुलाकातों में वो आयद करते हैं, वो एतराजात आयद किए, और ये कहा कि हम हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। तो मौलाना की इस वक्त जो पोजिशन है, क्या मौलाना ये समझ रहे हैं कि इस फैसले के बाद उनकी उस तरह से जरूरत नहीं रहेगी जिस तरह से पहले वो बहुत हॉट केक थे? नहीं, वो पहले ही तो यही तो चीजें तय करवाना चाह रहे हैं ना कि भाई अच्छा। व्हाट्स द डील, व्हाट्स द डील। तो जाहिर है वो असूली तौर पे बातें करेंगे इस वक्त, मगर जब डील होती है तो असूल शुल कोई नहीं होते वहां, वहां लेन देन होती है। सियासतदान जो है वो असूलों पे काम नहीं करते, वो डील्स के ऊपर काम करते हैं, हर सियासतदान, इमरान खान हो या मौलाना हो या नवाज शरीफ हो। तो अभी वो डील के जो इश्यूज है ना, जो मौलाना के जो इश्यूज हैं, वो डिस्कस हो रहे हैं मेरा ख्याल है अंदर, और कि ये मौलाना ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये कि मौलाना कुछ चीजों के ऊपर पीछे नहीं हटेंगे, उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो ये तय अच्छा। हो जाएंगी, इतनी देर नहीं लगेगी, ये तय हो जाएंगी। अब ये जो 63A का जो विक्ट्री मिली है ना गवर्नमेंट को, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद फिर से राबते शुरू हो जाएंगे मौलाना के साथ, और कुछ तो कुछ फैसले तय पाएंगे। बार्गेनिंग पावर वीक हुई मौलाना की इस फैसले के बाद। ये मैं नहीं कहता कि वीक हुई है, बिकॉज देखिए ना, यका तो उनके पास है, तो बार्गेनिंग पावर कैसे वीक होगी। अलबत्ता ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई एक आध किंग और क्वीन आ चुका है, पहले शायद नहीं था, अब एक आध किंग और क्वीन आ चुका है, तो अब मेरा ख्याल है अब निगोसिएशंस जो है वो बेहतर तरीके से हो सकेंगी, दे विल नॉट बी सो वन साइडेड। और अब गवर्नमेंट को पक्का करना पड़ेगा कि ठीक है जी, मौलाना वी एग्री टू दिस दिस दिस, इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, और उसके लिए गारंटी चाहिए होगी मौलाना को कि भाई आप लोग तो पहले भी झूठ बोल के मेरे साथ बड़े वादे किए थे, वादे किए थे जो निभाए नहीं, तो अब कैसे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि उसके लिए फिर नवाज शरीफ साहब का जाना वहां जरूरी होगा, कि नवाज शरीफ साहब जाए और एश्योरेंस दे के, आई विल मेक श्योर, आई गारंटी कि ये होगा। ठीक। अच्छा, दो तीन जो एतराजात है उस पर मुझे आपका नुक्ता नजर जानना है कि पीटीआई इस फैसले को ऐसे ताबीर कर रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया, खरीदो फरोख्त का रास्ता खुल गया, जो पहले 63A की तशरीह से बंदयाल कोर्ट ने बंद किया था। अब जब इस तरह की बातें हो रही हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया गया है, तो और साथ ही इसे चैलेंज कर देना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो उसके इकदाम किए गए हैं उसको पीटीआई का चैलेंज कर देना, क्या इसके कोई असरात हो सकते हैं
आपके ख्याल में? नहीं देखिए, आइन बड़ा क्लियर है, आइन में जो लिखा है वो उसका मतलब है उन्होंने सब सोचा था इस मामले कि इसके साथ हॉर्स ट्रेडिंग होगी या नहीं होगी, तो यही सोचा था कि नहीं हॉर्स ट्रेडिंग तो ये हो फिर हो कि अगर आप वोट भी आप पार्टी लाइन क्रॉस भी करें और सजा कोई ना हो और पैसे आप अच्छा। बना लें, यहाँ तो सजा तो हो ही जाएगी ना, आप यू विल लूज योर सीट। तो इसलिए आई थिंक आइन के अंदर तो बड़ा वाजे है कि आपका वोट जो है दैट इज योर पर्सनल राइट एंड योर पर्सनल फ्रीडम, वो चार एरियाज हैं जहां आप क्रॉस करेंगे तो आप बहुत हैवी प्राइस देंगे, आप अपनी सीट लूज कर देंगे, मगर आपका जमीर जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर पर्सनल फ्रीडम ऑफ चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन देयर इज अ प्राइस टू बी पेड फॉर इट। तो आइन तो बड़ा वाजे है, ये जो जजमेंट आई थी बंदयाल साहब के जमाने में बड़ी फजूल किस्म की जजमेंट थी, बड़ी पार्टिजन और सियासी जजमेंट थी और बायस जजमेंट थी, तो उसको रिवर्स करना इज राइट। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग ये वो सब नॉनसेंस है, बात ये है कि एक हद तक कॉन्शियंस के मुताबिक वोट डालना इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब जो लोग समझते हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग है, यू कैन कॉल इट व्हाट यू विल, मगर जिन्होंने आइन बनाई थी, जिन्होंने ये कानून बनाया था, तो उनको भी एहसास है ना इस बात का, तो अगर उन्होंने सोचा कि इतनी इजाजत होनी चाहिए तो फिर आप कौन होते हैं उसको तब्दील करने वाले जज साहब। हाँ, इस हवाले से भी आज इन डिटेल कोर्ट के रूबरू बात हुई, और अब हम ये देख रहे हैं कि स्पेक्युलेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। आप हमें बताएंगे कि अगर आईनी तरमीम का मामला नहीं तय हो पाता, कोई भी रुकावटें उसके रास्ते में आती हैं, तो क्या होगा? क्या होगा, रहने देना, ये होना पड़ेगा, अच्छा, हाँ ये होना ठीक है, पड़ेगा। इशारा, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। मेरे ख्याल है मैं आर्थिक तौर पे खुद को अकलमंद मान लेती हूँ। इसके अलावा मुल्क में क्या हो रहा है? एक बड़े एहतजाज की कॉल दी गई पीटीआई चेयरमैन की तरफ से, इसको लेकर क्या करने जा रहे हैं वजीर दाखिला, या वार्निंग्स कहाँ से आ रही हैं, इस पर बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। जो मैं साथ देने का शुक्रिया। इससे पहले कि हम जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल की तरफ, जिसको लेकर बहुत परेशानी पाई जा रही है हुकूमती सफों में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी स्टेटमेंट आजकल गूंज रही हैं, वो जिस तरह बात कर रहे हैं इन आईनी तरामीम को लेकर, वो डिटर्मेंट दिखाई देते हैं कि वो ये करवा कर दम लेंगे। इसके साथ साथ वो आजम नजीर तारड़ साहब के रोल पे भी बात करते हमें दिखाई दिए कि उनके पास आईनी तरामीम का मुसविदा आने से पहले वजीर कानून ने जजेस को बता दिया था, और जिसकी वजह से थोड़ा इसमें डिले आया। मुल्क में ये बात हो रही है कि जिस तरह से फ्रंट से लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके वजीर आजम बनने के इम्कानात काफी रोशन हो चुके हैं, क्योंकि यही वो वक्त है जब वो वजीर आजम बन सकते हैं। तो हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इनकमिंग वजीर आजम कह सकते हैं सेठी साहब? मुझे एक सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ, आपका क्या ख्याल है, क्या चीज़ है बिलावल के पास जो वो डिलीवर कर सकते हैं जो शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी नहीं डिलीवर कर सकते, या वो क्या जादू है उनके पास जिसके जरिए वो सारा कुछ उनकी उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, और ना ही नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इस वक्त इनकी हुकूमत जो है और वो फारग हो जाए। मेरा नहीं ख्याल, अगर फारग ही होना होता तो लेते ही ना, जो कि बदनामी हुई है, पीपल्स पार्टी तो चुप करके पीछे बैठी रही है, गाली तो सारी नौजी को पड़ी बिकॉज ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम, और अब जबकि मामला सब ठीक होने जा रहा है तो अब शहबाज शरीफ को हटाने का कोई मुझे नजर नहीं आता जवाब, या तो ये हो ना कि बिलावल भुट्टो साहब के पास कोई जादू हो जिसके साथ वो सुप्रीम कोर्ट को सॉर्ट आउट कर ले, मौलाना को भी कर ले, दरअसल ऐसी कोई जादू नहीं है उनके पास, वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इस वक्त हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब नहीं बोल रहे, ये उन्होंने सेनेटर साहब का इरफान सदीकी साहब के का रोल लगाया हुआ है, अब इरफान सदीकी साहब एक तरफ बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो बिलावल भुट्टो बातें कर रहे हैं, जाहिर है बिलावल भुट्टो साहब का वजन ज्यादा है सेनेटर साहब से, और ही इज अ स्टार एंड ही इज ऑल्सो द नेक्स्ट लीडर ऑफ द पीपल्स पार्टी, सो इसलिए आई थिंक अटेंशन इज बीन गिवन टू हिम। बातें वो बड़ी सही कर रहे हैं, एक बात जो वो सही कह रहे हैं कि ये 25 से पहले पहले करना है, उन्हें एहसास है कि कितनी बड़ी क्राइसिस बन जाएगी 25 के बाद अगर ये मामला उससे पहले तय ना हुआ, और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करना, ही इज एब्सोल्युटली राइट।
तो ये सेनेटर साहब का ये कहना कि उसके बाद भी हो सकता है, कि मुझे सब समझ नहीं आई ये उन्होंने क्यों कहा है, या तो वो डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं या डिसेमिनेशन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मगर बाप बिलावल की बात बिल्कुल सही है। नंबर दो, बिलावल भी ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बड़ी सख्त जरूरत है, और वो कह रहे हैं कि दिस इज अ मस्ट। मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये बात नहीं कर रहा, सारे चुप बैठे हुए और बिहाइंड द सीन्स भागदौड़ हो रही है। अब आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब कितने चक्कर लगा चुके हैं मौलाना की तरफ, तो मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने कितने चक्कर लगाए। देखिए ना, ये खामी मुझे नजर आ रही है। और नून लीग के अंदर कौन सा और हैवी वेट है शहबाज शरीफ के अलावा, मुझे बताएं कौन सा हैवी वेट है? क्या ख्वाजा आसिफ जाके मनाएंगे मौलाना को, या नवाज शरीफ साहब, या शहबाज शरीफ साहब उधर, या जरदारी साहब, या बिलावल और मोहसिन नकवी साहब? तो अब बात यह है कि थर्ड फोर्स तो लगी हुई है, पीपल्स पार्टी भी लगी हुई है, और ये मुस्लिम लीग वाले जो हैं, दीज जॉनीज, इनको समझ नहीं आ रही है कि भाई थोड़ी सी आगे भागदौड़ करें, नजर आए कि आप भी कोई भागदौड़ कर रहे हैं। आपने अपने एक आध वकील को सामने किया हुआ है और इस किस्म की, तो वो लगता है ऐसे है कि अब इन्होंने हवाले कर दिया कि जी हमने तो कोशिश कर ली, हमसे नहीं हुआ, आप ट्राई कर ले मौलाना को। मगर मेरे ये मौकफ है कि मौलाना आएंगे, ये नहीं फर्क पड़ता कौन आता है कौन नहीं आता। उन्हें वो चाहिए बंदा जो गारंटी करे, उन्हें जो भी डील होती है उसकी गारंटी दे, और वो गारंटी जो है वो फ्रेंकली बिटवीन यू एंड मी, वो नवाज शरीफ दे सकते हैं या जरदारी साहब दे सकते हैं। अब जरदारी साहब ने तो जरूर बातें की होगी, मगर नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए ना उठ के जाए मौलाना के पास, ताकि ये मामला जल्दी तय हो। और ये क्या फर्क पड़ता है, अगर वो मौलाना, अगर नवाज शरीफ साहब की भी बात नहीं मानते तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, इमरान तो लगा ही गया है, मौलाना भी लगा जाएगा, नवाज शरीफ भी लगा जाएगा, शहबाज भी लगा जाएगा, सारे लगे जाएंगे। हाँ, ये खतरनाक बात है, लेकिन मौलाना है इतने मंझे हुए सियासतदान कि वो पहले ही भांप लें, और फिर नवाज शरीफ साहब के जाने से शायद वो बात बन जाए जो पहले आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात से शुरू हुई थी और अभी तक बन नहीं पाई। मेरा ख्याल है कि अब बड़ा जरूरी है कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब इकट्ठे मिलकर मौलाना के पास जाएं, फाइनल फॉर्मूला लेके और इसको तय करें और खत्म करें इस बात को, और अनाउंस करें कि इट्स ऑल डन, और अगले दिन लॉन्च करें अमेंडमेंट जो भी करनी है इन्होंने। और मेरा ख्याल है उस पर कॉम्प्रोमाइजेज होंगी, और वो अच्छी कॉम्प्रोमाइजेज होंगी और होनी भी चाहिए। मौलाना जिस किस्म की कॉम्प्रोमाइजेज मांग रहे हैं, दे आर गुड। इसके अलावा गलती की गुंजाइश निश्ता, कुछ ना कुछ ऐसा ही करना होगा, अफहाम व तफहीम से मामला तय करने होंगे, वरना वार्निंग्स तो बहुत आ रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब पानी पी लिया है, उन्होंने जेल से जो पैगाम जारी किया है अगर आप देखें तो वो काफी तवील पैगाम है, और उसमें वो एक बार फिर आजादी की जंग और इसके फाइनल मरहले की बात कर रहे हैं। सिर साहब, आपसे जब मैंने पीटीआई की स्ट्रेटजी में चेंज के बारे में पूछा था कि जलसों के बाद एहतजाज की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों आई, तो आपने उसके जवाब में क्या कहा था, वो हम शामिल करें। खान की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाए, आवाम के ऊपर फायरिंग हो जाए, बंदे मार जान, एक नया ड्रामा हो जाए। अच्छा। तो जब तक ये काम चलता रहेगा, 2000 बंदा भी आ गया, 3000 बंदा भी आ गया, कोई लाहौर में आया, कोई पिंडी में आया, कोई मरी में आ गया, कोई आज़ाद कश्मीर में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाशें आ जाए। वो लाशें ढूंढ रहा है। अच्छा। वो चाह रहा है कि किसी तरीके से ये हो।